आदिया, अलग अलग जमानों में आपको आपके फैशन को फॉलो किया गया, आपके मेकअप को देखा गया है. जब आप नई नई आई थी आप ज्यादा मेकअप करती नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल यंग सी टीनेज में ही आ गई थी, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत हल्का मेकअप. फिर एक सर्टन टाइम आया जब सादिया का मेकअप आई मेकअप देखा करते थे, किस तरह वो मरून वो पता है लोगों को ये समझ नहीं आती कि आप अपने करेक्टर के हिसाब से मेकअप करते हैं. जब मैं शुरू में प्ले कर रही थी वो बहुत इनोसेंट बच्ची लड़की वाले रोल थे, जब मैं नेगेटिव रोल्स में आई तो फिर ऑफकोर्स आपको अपनी एज दिखाने के लिए स्क्रीन पे तो मेकअप का यूज करना पड़ता था, तो वो इसलिए मैं तब मेकअप ज्यादा किया और मुझे मेकअप पसंद है. है ना, कुछ होता है जिनको मेकअप से प्यार होता है. और मेकअप तो मेरे चेहरे से प्यार है, मेकअप मेरे चेहरे से सूट करता है. अच्छा, लेकिन आप मेकअप के बगैर भी बहुत अच्छी लगती है. सादिया ना सिर्फ अपना मेकअप बहुत अच्छा करती है बल्कि दूसरों का भी मेकअप बहुत अच्छा करती है. एक दफा मैं इनके शो में गई थी तो इन्होंने कहा तुम्हारा मेकअप खराब हुआ, मैं चलो मैं सही करती हूं. इन्होंने मेरी आंखें ऐसी बना दी कि मैं खुद पहचान नहीं रही थी ये मेरी आंखें. तो सादिया, आपको क्या लगता है कि आपने बल्कि दोनों ने भी तैयार किया बहुत नहीं करती हूँ अभी भी. अभी रिसेंटली मेरी कजन की शादी थी तो उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि आपने कर ली. तो मैंने कहा मेरे बहुत अरसे बाद बेटा मतलब मैं हाथ चलेगा मेरा, लेकिन वो हुआ और बहुत पसंद आया लोगों को. तो वो ये करती हूँ ब्राइड, लेकिन अब उस तरह नहीं, सिर्फ पहले बहुत सोचा है कि जब मीरा बड़ी होगी तो उसका मेकअप वगैरह उसको ब्राइड मैं बनाऊंगी. मीरब को ब्राइड बनाया मैं तो अभी परसों तरसों मीरब को मेकअप वैसे कर रही थी. उसे बिठा के ना उसको मतलब अब उसको शौक चढ़ता है, मामा मेकअप करो मेरे ये लगाओ मेरे ये लगाओ. तो उसको करी तो मैं वो उसका मेकअप करते मेरे आंसू गिरना शुरू. मैं ये नहीं हो सकता. तो वो ये वाले काम मैं उसके साथ करती हूँ. मुझे हेयर्स का बड़ा, तुमने देखा होगा जब शो में आते हैं उसके बाल मजे मजे के मैं बनाती हूँ. ये सब चीजें मुझे शौक है.